हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 6.4 सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिविजिबल डिविजन मेथड, यानी कि आपको क्या निकालना है इसमें, स्क्वायर रूट निकालना है। वो भी किस मेथड से निकालना है? डिविजन मेथड से। तो दो तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। एक तरीका इसमें यह है कि एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना के फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें, वो एक स्क्वायर रूट निकल जाएगा उससे भी। लेकिन इसमें कौन सा मेथड पूछ रहा है, इसमें जो पूछा जा रहा है वो है डिवीजन मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं। तो सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है 2300 2300 4 है। तो देखिए हम इसमें एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, अगर हम एलसीएम निकालना हो तो लाइन नीचे खींचते हैं, अगर हमें एलसीएम नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे, लाइन ऊपर खींचेंगे, इस नंबर से थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। अब हमें क्या करना है, दो दो का जोड़ा बना देंगे, ठीक है दो दो का जोड़ा बनाएंगे राइट हैंड से। तो दो का जोड़ा, दो दो डिजिट का जोड़ा, फिर दो डिजिट का जोड़ा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए 23 है, नहीं है 23 है। अब हम ऐसा कौन सा नंबर सोचेंगे, जो भी नंबर सोचेंगे उसको हम उसी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर मान चलो हमने 3 सोचा तो 3 से कितना हो जाएगा, 9, ठीक है 9 हो जाएगा। अभी 9 होगा तो देखिए 23 है और ये 9 है, हमें क्या लाना, या तो 23 आ जाए या तो 23 से कम आ जाए। तो ऐसे करते हैं 4 के टाउन से करते हैं, 4 से कितना हो जाएगा 16, ये 16 आ रहा है और ये 23 है, यानी कि इससे कम आ रहा है। ऐसे करते हैं फिर 5 सोच लेते हैं 25, लेकिन ये देखिए अब 5 से करने पर कितना आ गया 25, यानी कि 23 से ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा हमें नहीं लेना है, यानी कि हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है 4 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4, ठीक है यहाँ भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे 4, 4 से कितना आया 16 आ गया। अब आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे इसमें क्या करना है, इस 4 और इस वाले 4 को दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, माइनस कर देना है, 4 का 4, 0 का 0 और 3 में से 6 नहीं जाएगा, 3 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते। तो 3 क्या इसमें क्या लिया जाएगा, केडी लेगा वो, ठीक है यानी कि एक हासिल लिया जाएगा। अब जो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7। अब यहाँ पे एक चीज और सोचिए, यहाँ पे ठीक है एक चीज और, अब देखिए आपको इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ऐसा नंबर पढ़ना है इस क्लास में कितना आ जाए, 4 आ जाए, ऐसा टेबल पढ़ना है। जैसे मान चलिए मैंने 5 पढ़ा तो 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया ना, देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन हमें लास्ट में कितना चाहिए, लास्ट में चाहिए 4 चाहिए, लास्ट में चाहिए 4। हम क्या करेंगे, कौन से टेबल हो सकता है, देखो 8 के टेबल में आ रहा है, 8 से कितना होता है 64, 8 से कितना होता है 64 होता है, लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा नहीं है। हम क्या करेंगे, 8 का टेबल हम लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। तो 8 से कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा, 64 का हमें सिर्फ 4 लिखना है और 6 हमारा क्या रहेगा, के डी रहेगा, 6 हमें नहीं लिखना है, 6 हमारा क्या रहेगा, के डी रहेगा, यानी कि वो हमारे पास रहेगा हासिल रहेगा, ठीक है हासिल रहेगा। अब देखिए अब इसको इससे गुणा कर देना है, ठीक है इसको क्या करना है, 8 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 को कर देना 8 से सामने वाले नंबर से, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है 8 होगा 64 और 64 में 6 को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, जो के डी था हमारा, तो कितना हो जाएगा ये 70। अब ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 0 में से 0 गया 0 और 7 में से 7 गया, ये भी क्या बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए आंसर कितना, या अब हमारा कितना आंसर आ गया 48, हमारा आंसर कितना है 48। इसका मतलब ये हुआ कि 2304 का स्क्वायर रूट कितना है, ठीक है स्क्वायर रूट है 48, ठीक है कितना आंसर है इसका 48। तो ये जो मेथड है कौन सा मेथड था, ये था हमारे पास डिविजिबल मेथड, ठीक है कौन सा मेथड हमने करा, डिविजन मेथड करा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट में क्या कौन सा है 4489, इसको उसी तरीके से करेंगे, ठीक है 2 का पेयर बना देंगे, 2 दो डिजिट का 44 है, ठीक है 44 है। तो ऐसे क्या करेंगे, 6 का टेबल ले लो, 6 सीधा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 36, अगर आप 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमें लेना नहीं, हमें 44 से कम ही लेना है या 44 आ जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 9 का 9, 8 का 8 आ जाएगा, नीचे कुछ है नहीं माइनस करने के लिए।
अब 4 में से 6 को माइनस करेंगे जो हासिल दिया जाएगा, ठीक है, 4 में 6 नहीं जाएगा तो इसे कैरी लेगा 1, हो जाएगा 14, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा, कितना बचेगा ये, ठीक है, 8 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 6 इधर कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जिसके लास्ट में कितना आता है 9। अब देखिए हम 3 भी तो लिख सकते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा 9, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन ये करना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 3 हो जाएगा ना, लेकिन देखो 12 3 कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 36 हो जाएगा, तो क्या ये पूरा पूरा माइनस होगा, नहीं होगा, ठीक है, नीचे जो रिमाइंडर है वो बची जाएगा, लेकिन रिमाइंडर नीचे बचना ही नहीं चाहिए, तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम 3 नहीं लेंगे। तो क्या 3 के अलावा कोई ऐसा डिजिट है जो मल्टीप्लाई करने पे, ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 9 आ जाए, तो जी हाँ है, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 7 7 49 आ जाएगा, लास्ट में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा ये, 49, ठीक है, 49, तो 49 का हम क्या लिखेंगे, 9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये ऑफर हमारा क्या आएगा, कैरी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 12 समझा कितना हो जाएगा, 12 समझा 84 हो जाएगा, 12 समझा 84 हो जाएगा, और 84 में अगर प्लस कर देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर पूरा का पूरा आ गया, 9 में से 9 गया 0, 8 में से गया 0, 8 में से गया 0 बचेगा, ठीक है, तो अब हमारा आंसर हो गया फाइनल, आंसर हमारा कितना आ गया ये 67, तो 4489 का जो स्क्वायर रूट कितना आया, 167, ठीक है, कितना आया, 67 आया, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दो बच्चे हुए हैं उसकी तरफ, ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कितना, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3481, इसका भी हम क्या निकालेंगे, 22 डिजिट का, तो पहले पेयर बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 पे टेबल पढ़ते हैं तो 5 5 से कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 25 हो जाएगा, जो 34 से कम है, 6 का लिंक, 6 का नंबर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 36 हो जाएगा, लेकिन देखिए 34 और ये कितना 36, ये तो ज्यादा हो गया ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कम वाला लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, 5 वाला लेंगे, ठीक है, यानी कि 25 हम लिखेंगे, ये नंबर नहीं लेंगे 6 वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ये, तो 5 5 से कितना हो जाएगा ये, 5 5 का 25, ठीक है, 5 और 5 कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, बस इतना ही करना होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 1 है तो 1 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 5 को मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो 4 इसमें से क्या लेगा, कैरी लेगा, ठीक है, कैरी लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, अब 14 में से 5 माइनस करेंगे, 14 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा कितना बचेगा, ये 8, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा 14, 8, 5, 7, 8, 9, ठीक है, 9 बचेगा ये, ठीक है, कितना बचेगा ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, अब जो 9 बचेगा तो हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे डिजिट लेना है जिसके लास्ट में कितना आ जाए, 1 आ जाए, जिसके लास्ट में कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो ऐसे करते हैं, 9 का टेबल लीजिए आप, ठीक है, 9 का टेबल लीजिए, ठीक है, 9 जा कितना हो जाएगा, 9 जा 81 ही तो होता है, देखिए 1 आ रहा है ना, तो 9 जा कितना लिया हमने, 81 लास्ट में, तो 81 आता है, तो 81 का हम क्या लेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिख दिया 1, और उसके बाद 9 जा कितना हो जाएगा, 9 जा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9 जा 90 यानी कि 90 हो जाएगा, और 90 में प्लस कितना करेंगे, 8, कितना हो जाएगा, 98, ठीक है, तो 1 में से 1 माइनस करें कितना देगा, 0, और 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करें कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमें करना है चीज़ों को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए 3481 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, 59, कितना आया, 59, तो ये हमारा आंसर क्या है, 59। ये कौन सा मेथड है, ये जो मेथड हम जो कर रहे हैं ये है डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, एलसम इसमें नहीं किया जा रहा है, एलसम लेके भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन जो पूछा है उसी उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 529 है ये, तो हम क्या लिखेंगे, उसको मिटा देता हूँ, 529
तो देखो टू का पैर बन गया पीछे से, ठीक है, पीछे को टू का पैर तो बन गया टू डिजिट का। अभी सिंगल ड्राइव है तो सिंगल ही रहने दो उसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, टू टू जा फोर ले लीजिए, यहाँ पर टू टू जा हो जाएगा फोर, टू टू जा फोर हो जाएगा, क्योंकि थ्री थ्री जा लेंगे तो नाइन हो जाएगा, फाइव से ज्यादा हो जाएगा तो वो हो नहीं सकता, फिर माइनस टू टू जा फोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टू और टू कितना हो जाएगा फोर, इन दोनों को तो प्लस ही करना होता है, टू और टू हो जाएगा फोर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, नाइन का नाइन टू का टू, फाइव में से फोर जाएगा कितना बचेगा वन। अब यहाँ पे थ्री ले लीजिए, ठीक है, थ्री थ्री जा कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, और थ्री फोर जा कितना हो जाएगा, थ्री फोर जा कितना हो जाएगा ट्वेल्व, तो नाइन में से नाइन का जीरो, टू में से टू का जीरो, वन में से वन या जीरो बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा सर 529 का जो इसका रूट कितना आ गया, ये 23, ठीक है 23 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करे, चार क्वेश्चन हमने करे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा।